ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। हम केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 हाथीगढ़ कला देहरादून की टीचर्स हैं और हमारे तीनों के बच्चे इस समय यूक्रेन में हैं। बिस्ट और मेरा बेटा लिविव में है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, सेकंड ईयर में है। ये अंजू सिंह मैम हैं, इनकी बेटी खारकीव में है और मेडिकल थर्ड ईयर में है। और ये मैडम है प्रीति पोखरियाल, तो इनकी बेटी भी लिविव में है और फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। तो अभी के जो हालात हैं, आज हम लोग बहुत डरे हुए हैं और हमारे बच्चों की वापसी, मेरे बच्चा और मेरा और प्रीति मैम का बच्चा, हम दोनों के बच्चे 27 को आ रहे हैं और मैडम की बेटी का 26 को इनका रिजर्वेशन फ्लाइट का टिकट है वापसी का। लेकिन अभी के जो आज के ताज़ा हालात हैं उसमें ये है कि हमारे बच्चे वहाँ पर फंस चुके हैं क्योंकि फ़्लाइट वहाँ पर रद्द हो गई, मतलब बंद हो गई है, फ़्लाइट वेयर पूरा बंद हो चुका है। और बच्चे जो आज मेरे बच्चे के हॉस्टल से निकले थे इंडिया आने के लिए, वो लोग रास्ते में ट्रेन में अटक चुके हैं और ट्रेनें भी बंद हो चुकी हैं और हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि लगातार हम लोग टीवी देख रहे हैं और पूरी तरह से यूक्रेन में हर तरफ से बमबारी चालू हो चुकी है, रशिया ने अटैक कर दिया है। हम तीनों का प्रधानमंत्री महोदय जी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे इंडिया के वहाँ फंसे हुए हैं, हम लोग स्पेशली देहरादून से हैं, हम लोग उत्तराखंड से, तो हमारे उत्तराखंड के भी 30-40 बच्चे पूरे यूक्रेन में हैं, कि जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को सकुशल वापसी, और वहाँ पर हमारे बच्चे अगर अटके हुए हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। प्लीज़ उनकी वहाँ पर किसी तरह उन बच्चों को सेफ रखें। मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे बच्चों की सकुशल वापसी का इंतज़ाम करें और थोड़ा वहाँ पे उनकी जो भी परेशानियाँ हैं उनको दूर करें, और जो फ़्लाइट वगैरह रद्द हो रही है और जो एयरपोर्ट बंद हैं उनको किसी भी तरीके से उनको खुलवाएं, जिससे हमारे बच्चे सकुशल वापस आ सके। मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगी। प्रीति मैम, मेरा भी प्रधानमंत्री जी से सविनय निवेदन है, कृपया हमारे बच्चों की सकुशल वापसी को सुनिश्चित किया जाए और जिससे कि हम हमारी चिंता दूर हो सके। और अभी अभी आधा घंटे पहले मेरी अंजू मैम की अपनी बेटी से बात हुई है खारकीव में, तो श्रेया ने बोला है कि अभी उनका वहाँ पर इंटरनेट भी बंद हो चुका है, तो ये बहुत परेशानी की बात हो गई क्योंकि अभी तक तो हम लोग कॉन्टेक्ट कर रहे थे। और अभी मेरी अपने बेटे सूर्यांश से बात हुई है लिविव में, तो उसने बोला है कि मम्मी हम लोगों का भी जल्द ही हमारा नेट बंद होने वाला है, तो हम लोग बहुत अब परेशान हो चुके हैं। किसी भी तरह उनकी सकुशल वापसी, प्रधानमंत्री सर से रिक्वेस्ट है कि उनकी सकुशल वापसी का फैसला लिया जाए। ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान।